ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इसमें पहले सबसे हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल टाइम इंटरवल के बीच में जो भी पोजीशन में चेंज होता है उनका जो रेशियो है वो हम उसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करी थी, वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर कोई भी इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उस टाइम इंटरवल पे, वो टाइम इंटरवल जिस पे वो वेलोसिटी जिस पे टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच कर रहा हो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी मैं और डायरेक्शन की बात ना करें अगर, तो मैग्नीट्यूड जो है दोनों का बराबर होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। ठीक है ना, अगर कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एवरेज वेलोसिटी ही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड होगी। ठीक है ना, एक्सीलरेशन किसको कहते हैं, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए एक्सीलरेशन। ठीक, जो है वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और यूनिफॉर्म भी हो सकता है। लार्ज जो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम वही टाइम इंटरवल जो है चेंज इन वेलोसिटी ओवर द चेंज इन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस ऑब्वियसली किसी इंस्टेंट ऐसा एवरेज वेलोसिटी जो टाइम जिस पे टाइम अप्रोचेस टू जीरो हो जाए उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के तीन इक्वेशन हैं, इसका डेरिवेशन भी आपको करना है। ठीक है, मेन तीन इक्वेशन हैं, उसी से हमने सारे पार्ट्स बनाए हैं, तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब वेलोसिटी यानी ऑब्जेक्ट का मोशन शुरू होता है तो उसको हम कहते हैं यू। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए ले लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट एस ले लिया, टाइम टी ले लिया और फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी ले लिया। तो तीन इक्वेशन बने। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो सबसे पहले वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें डिस्टेंस नहीं है, यानी एवरेज एक्सीलरेशन की यहाँ पर बात होगी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन की। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, ठीक, इस केस में जो डिस्टेंस है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसमें टाइम नहीं है, टाइम इक्वेशन ये नहीं है। ठीक है, तो पहले को हम बोलते हैं टाइम इक्वेशन या एक्सीलरेशन, पहला जो इक्वेशन है वो एक्सीलरेशन का इक्वेशन है, दूसरा जो इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट का है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन। ठीक है, तो क्लियर, जो तीसरा इक्वेशन है वो विदाउट टाइम है डिस्टेंस का। ठीक है, थर्ड इक्वेशन आप देखें, इसमें यू नहीं है, स्मॉल यू यानी इनिशियल वेलोसिटी, उस केस में एस इज इक्वल टू यू टी माइनस वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर हम एक्सीलरेशन ना रखें तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं आप, एवरेज वेलोसिटी के थ्रू,
हाफ यू प्लस वी इंटू टी, ठीक है। आप जनरल इक्वेशन भी बना सकते हैं, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये इक्वेशन लिखेंगे, ठीक। इस इक्वेशन के बाद हम बात करेंगे, इन्हीं इक्वेशन से हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ की फ़ोटोज़ हम आपको कल भेजेंगे, ठीक है, और उसको आप समझेंगे, क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद हम इन इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे। जब आप ग्राफ समझ जाएंगे तब हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।